मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 10 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 10 वीडियो में प्रश्नावली 14.4 पे है और ये देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। देख रहे हैं ना, यहाँ दैनिक आय दिया है रुपया में, है ना, ये आपके वर्ग अंतराल है और यहाँ पे श्रमिकों की संख्या यानी कि उनकी बारंबारताएं दी गई है। ठीक है, कह रहा है कि उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका त्वरण खींचिए। यानी कि आपको संचयी बारंबारता बंटन बनाना है इसका, ठीक है, और फिर उसका त्वरण भी खींचना है। चलिए, तो हम लोग संचयी बारंबारता बंटन बनाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग दो ले लेंगे, दो बॉक्सेस से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें चलिए यहाँ पे दिखा देंगे ऐसे। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, दैनिक आय दी हुई है किसमें है, तो रुपया में दैनिक आय दिया हुआ है और यहाँ पे श्रमिकों की संख्या दी हुई है। तो हम लोग यहाँ क्या लेते हैं, संचयी बारंबारता लेते हैं ना, संचयी बारंबारता। अच्छा, आपको बता रखे हैं पिछले पार्ट में, आपको बताए थे पार्ट 9 वीडियो में कि से कम प्रकार के त्वरण के लिए आपको क्या करना होता है, तो वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा को लेनी होती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ क्या लेंगे, तो 120 से कम। अगला क्या हो जाएगा, 140 से कम। अगला क्या हो जाएगा, 160 से कम। फिर क्या होगा, 180 से कम। फिर आपका क्या होगा, 200 से कम। ठीक है, अब इसकी संगत संचयी बारंबारता क्या क्या होगी इसको देखिए। देखिए 120 से कम 100 से 120 ही होगा, यानी कि इसकी संगत संचयी बारंबारता 12 होगी। ठीक है, चलिए 140 से कम की बात करें तो ये वाला भी वर्ग हो जाएगा और ये वाला भी, यानी इन दोनों को आपको जोड़ लेना होगा। तो 12 और 14 कितना हो जाता है, 26 हो जाएगा। चलिए, समझ में आया ना, 160 से कम तो 160 से कम में ये वाला भी वर्ग हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, यानी तीनों को जोड़ लेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे आपको संचयी बारंबारता निकालने के क्रम में पहले एक को लिखना है, फिर दोनों को जोड़ना है, फिर तीनों को जोड़ना है। ये किसके लिए है, से कम प्रकार के लिए है। चलिए, तो यहाँ पे जोड़िएगा, तो ये तो पहले से 26 आया, ये दोनों जोड़ के 26 में 8 जुड़ जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 34। 180 से कम में क्या करना होगा, अब यही 34 में 6 जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, आपका आ जाएगा 40। ठीक है, 180 से कम मतलब ये भी हो जाएंगे, ये वाला भी वर्ग, ये भी और ये भी, तो इनकी सबकी संचयी बारंबारता जोड़नी होगी। अच्छा, 200 से कम में सारा हो जाएगा, तो यहाँ तक जोड़े थे 40 आया है और ये 10 जुड़ जाएगा, यानी कि 50 हो जाएगा। तो यह जो हम लोग चार्ट देख रहे हैं, ये आपका क्या है, तो से कम प्रकार के लिए संचयी बारंबारता बंटन है। ठीक है, तो ये संचयी बारंबारता बंटन बन गया। अब देखिए फिर इसका त्वरण भी खींचना है, तो यहाँ पे पहले लिख देंगे कि से कम प्रकार के त्वरण के लिए वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा तथा संचयी बारंबारता को क्रमशः एक्स तथा वाई अक्ष पर लेंगे और उसको दर्शाएंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ पेपर ले लिए है और इसको हम लोग यहाँ पे दर्शाते हैं। चलिए इसको दर्शाते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस पे दिखा देंगे कि ये आपका एक्स अक्ष है। ठीक है, यहाँ पे एक्स अक्ष ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये आप एक्स अक्ष ले लीजिए और यहाँ पे ये वाला वाई अक्ष ले लेते हैं। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, वाई अक्ष हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे नाम लिख देते हैं इसका, ये आपका हो गया एक्स, इधर हो जाएगा एक्स डैश। ठीक है, ये आपका वाई और नीचे हो जाएगा वाई डैश। देखिए, अब ये आपको एक काम करना होगा,
क्या करना होगा हमें, तो यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ 120 से सीधे मान शुरू हो रहा है, 120 के बाद 140 है, फिर 160 है, फिर 180 है, इस तरह से बढ़ा है। इसमें 20-20 का अंतर है। अगर आप यहाँ पे जीरो लेते हैं, यहाँ आप जीरो लेते हैं और डायरेक्ट यहाँ 120 लेंगे और फिर यहाँ 140 लेंगे, तो गड़बड़ हो गया ना। यहाँ से यहाँ का अंतर आप 120 ले रहे हैं लेकिन यहाँ से यहाँ का अंतर 20 ही ले रहे हैं। तो इसके लिए एक समाधान हम लोग करते हैं। इसके लिए क्या समाधान है कि हमें क्या करना होता है कि इस रेखा पर, यहाँ पे आपको क्लास 9th में ही पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे एक भंग जोड़ना होता है। ये भंग होता है, इसको ऐसे भंग या किंक कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, भंग कहते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, से किंक बोलते हैं। एक्चुअल में इसका मतलब क्या है ये समझ लीजिए। यह जब हम लोग यहाँ वर्ग अंतराल में देखते हैं कि हम लोग ज्यादा मान से लेते हैं, ठीक है, अगर यही रहता जीरो से दस, दस से बीस, ऐसे करके चला जाता ना, तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। यहाँ पे एक ही बार ज्यादा का अंतर हो रहा है। ये भंग क्या करता है कि क्या किया है कि जीरो से 120 तक इसको समेट के यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये भंग लिखने से फायदा क्या है कि आप डायरेक्ट अब यहाँ पे 120 ले सकते हैं, समझ रहे ना, यहाँ 120 ले सकते हैं, या फिर आपके जो वर्ग अंतराल में ऊपर मान दिया था न्यून मान 100, उसको भी यहाँ ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं और 120 से भी आप शुरू कर सकते हैं, जो आपको सुविधा लगे उससे आप यहाँ पे शुरू कर दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ 100 से लेके चलेंगे, ठीक है, हमारे वर्ग अंतराल में 100 से दिया था, यहाँ 100 लेंगे, ठीक है, इस पे फिर इसके बाद क्या लेंगे, तो 100 के बाद 120 लेंगे, 120 फिर आपका कितना 140, फिर कितना 160, फिर 180 और फिर यहाँ पे 200, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये किसको दर्शाया है, तो यहाँ दर्शाया है हम लोग दैनिक आय, यानी कि वर्ग अंतराल ही ना दर्शाया है। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे दैनिक आय, दैनिक आय, दैनिक आय यहाँ दर्शाया है, रुपया में दिया है, और यहाँ पे किसको दर्शाया है, तो इस पे संचयी बारंबारता। चलिए तो यहाँ पे लिख के इसको वहां लगा देंगे क्योंकि उल्टा लिखना है ना वहां, संचयी बारंबारता। चलिए इसको वहां पे कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब जो आपको संचयी बारंबारता यहाँ दर्शानी है, तो इसमें आप मान कहाँ से लिखिएगा कि देखिए इसमें सबसे हाईएस्ट 50 तक गया है। एक काम करते हैं हम लोग, इस पे लेके चलते हैं हम लोग, अगर 5 से 10 लेके चलेंगे तो देखिए 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 ऊपर चले गए, 5 10 ही ले लेते हैं बेहतर रहेगा, चलिए आसान रहेगा। आप 10 20 भी लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 10 15 20 25 30 35 40 यहाँ 45, थोड़ा सा और इसको बढ़ाना होगा आपको, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ बढ़ा देते हैं और यहाँ हो जाएगा आपका 50, ठीक है। आप कोई दिक्कत नहीं, आप 10 20 भी लेके जा सकते हैं, यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है, ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, तो यहाँ लिख दीजिए, चाहे आप ऊपर भी लिख सकते हैं, जहां भी ग्राफ में जगह हो वहां लिखना होगा। क्या लिखना होगा, तो देखिए एक्स अक्ष पर एक छोटा घर बराबर कितना हो रहा है, इसको समझिए। यहाँ देखिए इसमें कितने घर है, 1 2 3 4 5 टोटल घर है। अच्छा, 5 घर पे जाके ये कितना बढ़ रहा है, तो 20 बढ़ जा रहा है, यानी कि एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर एक छोटा घर, एक छोटा घर बराबर कितना लिया है, 4 इकाई, 4 इकाई देख रहे हैं ना, ये 4 8 12 है ना, फिर कितना हो जा रहा है 12 के बाद, 12 के बाद हो जाएगा आपका 16 और 20। ये समझ में आया ना कैसे लिखे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप 100 के बाद 120 लिखे, 20 का अंतर है और बीच में 5 गो लकीर है, तो कितना प्रत्येक प्रत्येक लकीर कितना दूरी पे है, यानी कि 4-4 इकाई के लिए है। अच्छा, अब उसी तरह से यहाँ वाई अक्ष वाला भी यहाँ लिख दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। क्या लिख देंगे कि वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर एक छोटा घर, छोटा घर बराबर एक इकाई, एक छोटा घर किसके बराबर है, एक इकाई, क्योंकि 5 लकीर है और ये 5-10 ऐसे ही बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं ना, यहाँ 5 ही लकीर है और ये 5 है यहाँ पे, तो आप एक छोटा घर बराबर एक इकाई लिख देंगे। चलिए तो ये लिखना जरूरी होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ है 120 और इसकी संचयी बारंबारता है 12, तो यहाँ 120 लीजिए, ठीक है, और 120 की संचयी बारंबारता कितनी है, 12 है, तो 12 कहाँ होगा, तो देखिए ये 10 है, ठीक है, उसके बाद 11 12,
ठीक है, और यहाँ पे दर्शा देंगे तो और बेहतर है, तो यहाँ लिख देंगे 120 कॉमा में 12, ठीक है, फिर 140 कॉमा 26, तो 140 ये रहा और 26 कहाँ है, तो ये रहा 20, ये रहा 25 और इसके ऊपर 1, ठीक है, तो ये क्या है आपका 140 कॉमा 26, ठीक, फिर आपका कितना है, तो यहाँ पे देखिए 160 कॉमा 34, तो 160 आपका कहाँ है, तो 160 ये रहा और 34 कहाँ होगा, तो ये देखिए 30 है, ठीक है, और इसके बाद चार लकीर गिन, चार घर गिन लीजिए, 1 2 3 4, ये ना हो जाएगा आपका, चलिए समझ में आ रहा है ना ये, तो ये आपका कितना है, तो 160 कॉमा 34, 160 कॉमा 34, चलिए अगला है 180 और ये 40, तो 180 ये रहा और 40 किधर होगा, ये रहा दोनों के सामने, ये रहा 180 कॉमा 40, एक और बच गया आपका क्या है, 200 और 50, तो 200 ये रहा और 50 कहाँ होगा आपका, तो 200 और 50 यहाँ हो जाएगा, यही ना हो जाएगा आपका ये वाला, चलिए तो यहाँ लिख देंगे इसको भी 200 और ये कितना है आपका 50 है, चलिए अब इनको मुक्त मृदु हस्त रेखा द्वारा मिला देंगे, चलिए यानी कि मुक्त मृदु हस्त वक्र, वक्र कहिए या रेखा कहिए, चलिए इसी तरह से ना, चलिए ये मिला दिए और इन दोनों बिंदुओं को भी मिला दिए, ठीक है, तो ये आपका सेकम प्रकार का त्वरण हो गया, सेकम प्रकार का त्वरण, समझ गए, त्वरण क्लियर हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, चलिए क्वेश्चन नंबर